हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी बेबी फूड रेसिपी लेके आए हैं। आई एम श्योर आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है और साथ में बहुत ही यमी है। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखिएगा कि ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। चलिए फटाफट से ये रेसिपी बना लेते हैं। आइए बच्चों के लिए रोस्टेड मखाना बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 100 ग्राम मखाने लिए हुए हैं। सबसे पहले हमें मखानों में चेक करना है कि कोई डर्ट या गंदा ना हो, और साथ में मखानों में ये ब्लैक कलर का जो थोड़ा बहुत लगा रहता है हार्ड टाइप का, उसको हमें निकाल देना है। किसी भी मखाने में ये नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमें सारे मखानों में चेक कर लेना है और इसको निकाल देना है। ये मखाने रेडी हो गए हैं और एकदम अब क्लीन है। अब एक गहरी कढ़ाई ले लेंगे हम, और इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी का। घी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब फ्लेम को एकदम धीमे रखना है। पूरे प्रोसेस में फ्लेम को तेज नहीं करना है, नहीं तो मखाने अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे। अब हमें इसमें मखाने डाल देने हैं, और डालते ही सारे मखानों को घी में लपेटना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो घी सिर्फ नीचे वाले में ही मखानों में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ऊपर तक नहीं आ पाएगी, इसलिए तुरंत ही इसको हमें मिला लेना है। अब अच्छी तरह से घी में सारे मखाने हमने मिला लिए हैं। अब पूरे प्रोसेस में ही हमें इसको धीरे आंच पे ही पकाना है और रोस्ट करना है, और चलाते रहना है, छोड़ नहीं देना है, नहीं तो नीचे वाले ओवर कुक होके और कड़े हो जाएंगे और ऊपर वाले नहीं पक पाएंगे। इसलिए हमें थोड़े थोड़े 10-15 सेकंड्स में ही इसको मिलाते रहना है। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक रेसिपी है, बेस्ट ट्रैवल फूड है, बच्चों के लिए एक तरह से ये सुपर फूड माना जाता है। तो बच्चों को अगर अब तक आप ये नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ उनकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भरे हुए हैं। अराउंड 10 मिनट से हम इसको इसी तरह से भून रहे हैं, और अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छे से ये भून भी गया है। तो अब बारी है इसमें ऐड करने की सॉल्ट। सॉल्ट आप ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इनकेस बच्चे 1 साल से कम के हैं तो आप सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, मखाने ऐसे भी अच्छे लगते हैं। साथ में बच्चे जब 18 मंथ्स प्लस के हो जाते हैं तब हम उन्हें कुछ स्पाइसेस देते हैं, इसलिए हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं, हमारे बेबी को काफ़ी पसंद है। आप इसको भी स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं देते हैं तो, लेकिन अगर आप देते हैं तो ये दोनों ही सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करने पर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसको डालने के बाद वापस से अच्छे से मिक्स कर दीजिए कि सब तरफ ही अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। देखिए बहुत ही सिंपली आप इसको बना सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ट्रैवल फूड है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे ढेर सारे मखानों को रोस्ट कर लीजिए, और अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में इसको आप कैरी कर सकते हैं, और बच्चों के लिए रोज़ सुबह सुबह इसको भून दीजिए। दिन भर जब वो मंचिंग के लिए कुछ भी मांगे तो जंक देने से अच्छा है कि आप ये मखाने बच्चों को सर्व करें। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो, आपके लिए एक अच्छा आइडिया है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और कोई रेसिपीज़ जो बच्चों के लिए आप चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर करिए। बच्चे ही नहीं, आपको भी आई एम श्योर ये बहुत पसंद आता है, मखाने तो सबके फेवरेट होते हैं। शाम को जब टी टाइम हो तो उस टाइम आप भी इसको इंजॉय करें, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है।